हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम मास्क बनाएंगे बिल्कुल इजीली तरीके से। तो ये देखो, मैंने 10 इंच इसकी लंबाई ली है और 6 इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो मैंने 10 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई के अंदर दो पीस ले लिए हैं। इससे हम अपना सुंदर सा मास्क बनाएंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से, क्योंकि कोरोना चल रही है, फिर से कोरोना शुरू हो गई है, लॉकडाउन लग गया है, तो हमें मास्क की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखो, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड हो गया और एक बार और फोल्ड करेंगे इसको। दोनों पीस को हमें दो बार फोल्ड करना, एक हो गया और ये दो हो गया। अब हमें देखो इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से हम एक इंच पे निशान लगाएंगे नीचे की ओर और यहाँ हम इधर लंबाई की ओर एक इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें ऐसे शेप देके इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से। यहाँ से अब हम इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल आराम से करना है, कहीं एक्स्ट्रा कपड़ा ना कट जाए। ये देखो, ये हमने काट लिया है। अगर आपके पास में एक जैसा कपड़ा नहीं है ऐसा, तो आप अलग अलग कलर के दो पीस ले सकते हो। अब हम इसको यहाँ से बीच में से कट करेंगे। तो ये देखो, ये चार पीस बन गए। अब हमें इनको जॉइंट करना है। इस कपड़े को यहाँ पे रखो, इस पीस को, और इसको सीधे के ऊपर उल्टा रखे। यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है, ऐसे ही हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। दोनों को हमें सिलना है। तो चलो, हम सीधा कपड़ा रखेंगे, फिर ये उल्टा रखेंगे। अब हम इसके ऊपर बिल्कुल बारीक सी एक सिलाई लगाएंगे इन दोनों को पकड़ के। अगर आपके पास में दो पीस लेने हैं, आप दो कलर के ले रहे हो, तो ऐसे आप दोनों कपड़ों को 10 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई के अंदर कट करके ऐसे आप कटिंग कर सकते हो। ऐसे हम सिलेंगे इसको। ये सिल लिया है मैंने, ऐसे ही हमें दूसरे पीस को सिलना है। अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे, ताकि इसको सीधा करके सिलाई करेंगे तो अच्छे से सिलाई हो जाएगी। बारीक बारीक काटना है, यहाँ पे आराम से काटना है हमें, ध्यान से, कहीं हमारी सिलाई ना कट जाए। इस तरीके से ऐसे ही हमें दूसरे पीस को तैयार करना है। अब हम इसको सीधा करेंगे, सीधा करके बीच के अंदर एक सिलाई और लगाएंगे। देखो कैसे हमें इसको सीधा करना है। यहाँ से पकड़ो और यहाँ पे हमें बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको वीडियो के लास्ट तक बताऊंगी कि कैसे इसको डोरी के साथ सिलना है या कैसे इलास्टिक के साथ सिलना है। बट मेरे पास इलास्टिक नहीं है, मैं डोरी यूज़ कर रही हूँ बना के। तो आप भी ऐसे ही घर पे मास्क ज़रूर बनाएं, ऐसे थोड़े बहुत बचे हुए कपड़े से आराम से बन जाते हैं। तो ये पीस हमें ऐसे ही सेम तैयार करके रखना है, इसको ऐसे रख के यहाँ सिलाई करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए। अब यहाँ पे हमें इनको रख के सिलाई करनी है। दोनों साइड हमें ऐसे कॉर्नर के ऊपर एक एक सिलाई लगानी है, इस तरीके से। अब हम इस साइड करेंगे, जैसे हमने शेप के अंदर कटिंग की है, सेम उसी तरीके से हमें इसको सिलना है। यहाँ से कट कर लेते हैं, इस साइड एक सिलाई और लगा लेते हैं, सेम वैसे ही। दो साइड हम सिलाई लगाएंगे और दो साइड में हमें सिलाई एक बार नहीं लगानी है, क्योंकि इसको सीधा करके हमें दोनों साइड डोरियाँ भी इसके अटैच करनी है। तो ये हमने दो साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे, ताकि ये बिल्कुल सीधा हो जाए कपड़ा जो हमने सिलाई की। यहाँ पे अच्छे से सिलाई हो जाए प्रेस करने के बाद में। तो इसके ऊपर मैंने प्रेस कर ली है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर,
इस तरीके से दोनों साइड से हमें इसको सिलना है। पहले तो हमने उल्टे को सिला था, अब हम सीधा करके प्रेस करके कॉर्नर के ऊपर जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं वैसे इसको सिलेंगे। तो हमने इसको सी लिया। अब हम जो डोरियां बनाएंगे ऐसे हम कट कर लेंगे डोरी को, जितनी आपको लंबाई की ज़रूरत है और जितनी आपको मोटी रखनी है उसके हिसाब से। फिर हम ऐसे जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं, पट्टी बनाते हैं, सेम वैसे ही हम इसको सिलेंगे। इस तरीके से हम दोनों डोरियों को सील के अपने मास्क के साथ अटैच करेंगे। इस तरीके से हम इसको सिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो ऐसे हमने दोनों डोरियां बना ली है। अब हम इसको मास्क के साथ अटैच करेंगे। देखो यहाँ से पकड़ो और इसको थोड़ा सा अंदर की ओर फोल्ड करना है हमें इस तरीके से, दोनों साइड से ऐसे हमें फोल्ड करके और इसके अंदर डोरियां डाल के और हमें एक सिलाई और लगानी है। इसको रख के हम एक बारीक सी सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स जो हम मार्केट से लेके आते हैं उससे बेटर है कि हम ये मास्क अपने घर पे आसान तरीके से तैयार करें और इसको हर रोज़ हम धो के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये सूती कपड़े के हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको दोनों साइड से सिल के तैयार करेंगे। जो मार्केट से लेके आते हैं उसमें हवा पास कम होती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है और ये सूती होती है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ये देखो मैंने इसको तैयार कर लिया है। काफ़ी सारे मास्क बनाए हैं मैंने, कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इनकी। ये छोटे बड़े काफ़ी बनाए हैं, मेरे को काफ़ी की ज़रूरत थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।